नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा और आपके अपने चैनल एवी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, एमएक्स का LP801 एम्पलीफायर है दोस्तों। ये 800 वाट का एम्पलीफायर है पर चैनल, और इसमें चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। मैं इसे ऑन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सिग्नल लाइट ब्लिंक हो रही है और एक क्लिप लाइट भी जल जाएगी इसकी। देखिए इसमें क्लिप आ रहा है और ये प्रोटेक्शन से हट गया। ये भी प्रोटेक्शन नहीं है इसमें, दोनों में है। और इसमें मैंने इनपुट लगा के रखा है। देखिए आवाज़ वगैरह आ रही है, ये मतलब बी चैनल इसका ओके है और ए में प्रॉब्लम है। इसमें मैंने सिग्नल लगाया है बट देखिए कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, सिग्नल कुछ नहीं आ रहा, क्लिप में है दोस्तों ये। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, फिर आप सभी को उसके अंदर का दिखाता हूँ और क्या प्रॉब्लम है वो भी देखते हैं। और आप सभी बने रहे वीडियो में दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे एम्पलीफायर और रिपेयरिंग मिक्सर सब रिपेयरिंग लेके आता रहता हूँ। और आपको कोई अगर प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर अगर जिसको चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा, तो मेरे थ्रू परचेस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी से भी ले सकते हैं। बट मेरे थ्रू करेंगे तो कुछ डिस्काउंट मैं दिला दूँगा, और कंपनी के थ्रू तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, इसे ओपन करके फिर आपसे भी से मिलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे ओपन कर लिया है। ये इसके पावर सप्लाई है, इसमें 12 कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये ए चैनल और ये बी चैनल। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है ए चैनल में, तो चलिए इसे ऑन करते हैं फिर से एक बार और देखते हैं अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या दिख रहा है इसे। देखिए क्लिप लाइट चल गई है, अंदर देखते हैं। एक ग्रीन लाइट इधर जल रही है, इस तरफ भी ग्रीन लाइट जल रही है। तो इसका एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं दोस्तों। मैंने ग्राउंडिंग लगा दिया, मीटर को 200 की रेंज में रखें और इधर वोल्टेज चेक करें कलेक्टर पे। ये देखिए 100 वोल्ट आ रहा है कलेक्टर पे, और इसके कलेक्टर को देखते हैं कितना आ रहा है। इधर भी 100 माइनस आ रहा है दोस्तों। और नंबर बेस पे देख लेते हैं, बेस पे कोई वोल्टेज नहीं है, मीटर पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। बेस पे कोई वोल्टेज नहीं, इधर देखते हैं बेस पे, देखिए 0.3 वोल्ट आ रहा है दोस्तों बेस पे। और ये मीटर पे देखते हैं, मीटर पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका बेस वोल्ट 0.3 सीरीज में है दोस्तों ये भी, और इसका बेस वोल्टेज देखिए कुछ भी नहीं आ रहा बेस वोल्टेज। नीचे की तरफ चेक कर लेते हैं, नीचे भी बेस नहीं आ रहा दोस्तों। इसका देख लेते हैं नीचे की तरफ, देखिए 4 वोल्ट। ये रजिस्टर के पहले चेक किया, इसलिए 4 दिखा रहा है दोस्तों। मतलब इसमें बेस वोल्टेज नहीं आ रहा है इसलिए वो क्लिप में आ रहा है। तो अब चलिए देखते हैं बेस वोल्ट आता कहाँ से है और क्यों नहीं आ रहा है, क्या कोई चीज़ ओपन है या फिर कोई चीज़ शॉर्ट हो गई है। अभी इस चैनल को खोलते हैं फिर आप सभी को दिखाता हूँ मैं, तब तक वीडियो को पॉज करता हूँ दोस्तों। आप समझ गए होंगे किस तरह से वोल्टेज चेक किया जाता है।
पहले दोस्तों वोल्टेज चेक कीजिए, अगर वोल्टेज सब बराबर है तो ऐसे तो वोल्टेज बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ फॉल्ट है तो वोल्टेज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कम ज़्यादा तो होगा, तो इस हिसाब से फॉल्ट ढूंढते हैं। अब इसमें बेस वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे इसके ड्राइवर सेक्शन में और इसका जो इनपुट सेक्शन है वहाँ से भी, बट इनपुट सेक्शन से खाली सिग्नल आता है दोस्तों, बेस वोल्टेज तो ड्राइवर सेक्शन बनाता है। इसका ड्राइवर सेक्शन देखिए दोस्तों, ये लगे हैं ट्रांजिस्टर ना, यहाँ पे है। चलिए देखते, यहाँ भी देख लेते हैं एक बार वोल्टेज आ रहा है क्या। देखिए 100 वोल्ट आ रहा है इधर, 100 इधर भी आ रहा है, और इसके कलेक्टर पे देखिए यहाँ 3 वोल्ट आ रहा है, देखिए 1 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। तो इस पर देखते हैं कलेक्टर पे 92, 93, 92। अगर दोस्तों एक चैनल ओके है तो उससे आप कंपेयर कर लीजिए, आपको आसानी होगी फॉल्ट ढूंढने में। देखिए इधर वोल्टेज बराबर है, इधर देखिए 1 वोल्ट आ रहा है, तो बेस पे वोल्टेज इधर 9 वोल्ट आना चाहिए, तो इसके बेस पे देखते हैं 9 वोल्ट आ रहा है, 4 वोल्ट आ रहा है दोस्तों, जबकि यहाँ 9 वोल्ट आना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं बेस का वोल्टेज क्यों कम ज़्यादा हो रहा है, जहाँ 9 वोल्ट आना चाहिए वहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है दोस्तों, 0.9 आना चाहिए, 9 वोल्टेज गलती से बोल दिया मैंने, इसके कलेक्टर पे तो 1 वोल्ट आ रहा है, मतलब ड्राइवर सेक्शन अपना काम कर रहा है 1 वोल्ट, इधर 0.9 वोल्ट आना चाहिए, 0.4 आ रहा है, तो ये वोल्टेज कम है, तो इसीलिए आपका ड्राइवर वोल्टेज नहीं बन पा रहा है बेस वोल्टेज। चलिए इसे बंद करता हूँ मैं, और चैनल को खोलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसका ये ड्राइवर वोल्टेज मतलब ड्राइवर सेक्शन है, ये दो ट्रांजिस्टर ड्राइवर के लिए यूज़ होते हैं, और ये इसका मेन ड्राइवर है, मतलब सारे ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए ये मेन ड्राइवर है, और इसको ड्राइव ये दोनों ट्रांजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे कलेक्टर इमीटर पर हाई वोल्टेज रहता है, और इसके कलेक्टर से बेस और इमीटर पर हाई वोल्टेज रहेगा, और कलेक्टर से 1 वोल्ट यहाँ पे रजिस्टर पे आएगा, रजिस्टर ये इस तरफ आएगा, रजिस्टर के थ्रू बेस पे जाके मतलब 0.9 होएगा, और रजिस्टर इसको ड्रॉप करेगा थोड़ा 0.5 तक वोल्टेज सब बेस पे जाएगा। यहाँ देखिए सारे कॉमन है, देखिए ये बेस की लाइन है, और इस तरह बेस में ऐसे ही है। तो आपको दोस्तों करना क्या है, ये प्रीसेट चेक करना है मल्टीमीटर से, सारे रजिस्टर जितने भी है सब चेक करने हैं, यहाँ के सिग्नल डायोड है 4148, एलईडी तो खैर जल रही थी, ये ट्रांजिस्टर है, ये यहाँ के सारे इतने सारे पार्ट्स आपको चेक करने हैं, इसमें आपको कुछ ना कुछ फॉल्ट मिलेगा दोस्तों। ये इसका वोल्टेज ड्राइवर देखिए है, इसमें भी आईसी ख़राब हो सकती है, बट ये बहुत ही रेयर में फॉल्ट होता है ऐसा, इसमें जल्दी फॉल्ट नहीं आता है, फॉल्ट इधर ही कहीं रहेगा, और मुझे फॉल्ट मिल भी गया है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ फॉल्ट है, तब तक आप देख लीजिए अच्छे से दोस्तों। देखिए यहाँ पर सब सिग्नल डायोड वगैरह लगे हैं, ये कैपेसिटर है, रजिस्टर लग रहा है लेकिन कैपेसिटर है दोस्तों ये, तो आप जरा ध्यान से चेक कीजिए, सिंबल भी देख लीजिए कीजिए जिस पर लिख रहे, देखिए इस पर सी लिखा है C10, तो रजिस्टर समझ के इसे चेक ना कीजिए, तो रजिस्टर देखिए इस तरह से होता है, ये कैपेसिटर है, नहीं सॉरी दोस्तों ये भी रजिस्टर है, देखिए R1 लिखा है यहाँ पर, तो जहाँ पे कैपेसिटर रहेगा तो सी रहेगा, और जहाँ रजिस्टर रहेगा वहाँ आर रहेगा, और ये तो खैर ट्रांजिस्टर है, इसे भी चेक करना है,
और ये ट्रांजिस्टर को भी चेक करना है। यहाँ पे इसके आउटपुट में फॉल्ट नहीं रहेगा दोस्तों, ना कि इसके रिले सेक्शन में रहेगा, क्योंकि रिले ऑन हो रहा था, प्रोटेक्शन में नहीं था ये। अगर प्रोटेक्शन में रहेगा तो उस समय रिले ऑन नहीं होएगा, तो हर सेक्शन का अलग अलग वो है। तो अगर प्रोटेक्शन में रहे तो यहाँ के ये सेक्शन चेक करना है आपको। अगर इस पर वोल्टेज वगैरह कम ज़्यादा आएगा तो भी प्रोटेक्शन में जाएगा। इसके मीटर पर वोल्टेज रहेगा तो इसके स्पीकर आउटपुट पे वोल्टेज रहेगा तो रिले ऑन नहीं होएगा। तो उस कंडीशन में देखना है आपको, कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट रहेगा या कोई यहाँ पे ड्राइवर से वोल्टेज ज़्यादा आता रहेगा, वो सब देखना है। तो खैर मुझे इधर फॉल्ट मिल गया है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या फॉल्ट है, तब तक आप देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए, ये रजिस्टर दिख रहा है आपको, ये ड्रास होल्डर है, देखिए ऐसे ही लगा हुआ था ये, मतलब उसको शोल्डर नहीं लगा है कंपनी से ही। तो चलिए इसे शोल्डर कर लेते हैं और फिर लगा के देखते हैं अपना ओके होता है कि नहीं। चलिए मैं इसे शोल्डर करता हूँ दोस्तों और फिर आपको दिखाता हूँ शोल्डर करके। देखिए शोल्डर मैंने कर दिया है इसे, अब चलिए इसे लगा लेते हैं और फिर चेक करते हैं अपना ओके हुआ कि नहीं प्रॉब्लम। तो आप लोग सब समझ गए हैं दोस्तों कि अगर बेस पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ड्राइवर सेक्शन का फॉल्ट रहता है। अभी रजिस्टर मुझे दिख गया, हो सकता है ये ओपन रहता या कोई भी रजिस्टर ओपन रहता तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है यहाँ पर। तो चलिए अब इसे फिट करके और आप ऑन करके देखते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। देखिए दोस्तों सारे कनेक्शन लगा लिए मैंने, और चलिए अभी एम्पलीफायर को ऑन करके देखते हैं। ये मैंने पावर सप्लाई लगा दिया, इसका कॉर्ड, चलिए इसे ऑन करते हैं और देखते हैं कि सॉल्व हुआ प्रॉब्लम कि नहीं अपना। देखिए दोनों प्रोटेक्शन में है और सिग्नल लाइट देखिए अभी नहीं, अभी ब्लिंक कर रही है दोस्तों, और देखते हैं क्लिप गया कि नहीं। देखिए क्लिप चले गया दोस्तों, चलिए इसे दोस्तों मैंने इनपुट वगैरह सब लगा दिया है, चलिए देखते हैं आवाज़ आती है कि नहीं इसमें। देखिए एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया हमारा, अभी सिग्नल की लाइट चल रही थी लेकिन अभी नहीं ब्लिंक हो रही है। एक बार फिर से बंद करके चालू करते हैं। देखिए कुछ ब्लिंक नहीं हो रहा है, पीछे से शायद स्विच का प्रॉब्लम होगा, एक बार स्विच को चलिए आगे पीछे कर देते हैं। दोस्तों ये ब्रिज पैरेलल स्विच है, ये सेंसिटिविटी का स्विच है, ऑन ऑफ 30 हर्ट्ज ऑन ऑफ, दोस्तों ऑडियो तो आ गया है इसमें। देखिए सिग्नल इसमें भी आ रहा है, एक बार फिर से बंद करते हैं और इसका सिग्नल निकाल देते हैं एक नंबर का, फिर देखते हैं सिग्नल ब्लिंक होता है कि नहीं। दोस्तों मेरे को लगता है स्विच से था, वो स्विच मैंने हिलाया था, देखते अभी ब्लिंक होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों ब्लिंक वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, वो स्विच से प्रॉब्लम था इनपुट बोर्ड से। अभी देखिए एकदम परफेक्ट चल रहा है, ये कंट्रोल देखिए बढ़ा भी देते हैं तो भी सिग्नल नहीं आ रहा है,
मतलब सिग्नल ब्लिंक नहीं हो रहा है, ये देखिए। चलिए इनपुट लगा लेते हैं। देखिए इसमें बी में आ रहा है सिग्नल। तो दोस्तों बताएं वीडियो कैसा था, और हम इसे मैं पैक कर लूँ मतलब टेस्टिंग करने के बाद वोल्टेज वगैरह। एक बार वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं इसका, मेरे को लगता है वोल्टेज बराबर हो गया होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये मैंने ग्राउंड लगा दिया, अब इसके बेस पे देखते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। देखिए 0.4 एमीटर पे नहीं, इस पे 90 वोल्ट। उस तरफ देखते हैं, उस तरफ भी देखिए 0.3 सीरीज में दोस्तों। ये देखिए इस तरफ भी 0.3 आ रहा है, मतलब अभी पीस अपना ओके हो चुका है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। आपका कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।